Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today, we are going to start our computer book by BrainRoot series. So, the name of our book is Cyber Creators Class 2. Aaj hum chapter number 1 start karenge. Hamare chapter ka kya naam hai? Basics of Computer. To chaliye, chapter start karte hain. In this chapter, you will learn about what is computer, uses of computer, characteristics of computer and computers and human. In sab ke baare mein aap is chapter mein padhenge. Before we begin, shuru karne se pehle aapko kya karna hai? Color the given part of a computer, also write its name. Yahan pe कंप्यूटर के एक पार्ट की पिक्चर दी हुई है, आपको उसमें कलर करना है और आपको इसका नाम लिखना है कि ये कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है. व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? चिल्ड्रन, एज वी नो दैट मशीन्स आर मेड बाय मैन, अ कंप्यूटर इज आल्सो अ मैन मेड मशीन. अ कंप्यूटर इज द मोस्ट इमेजिंग क्रिएशन ऑफ ह्यूमन. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि सारी मशीन्स किसने बनाई है? ह्यूमंस, मतलब मानव ने बनाई है. और उसमें से कंप्यूटर ह्यूमंस बीइंग के द्वारा बनाई गई एक बहुत इमेजिंग क्रिएशन है. इट इज वेरी यूजफुल मशीन. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक बहुत यूजफुल मशीन है. और क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बिजली से चलती है. इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड आर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. अ कंप्यूटर मेक्स यू टू डू योर वर्क इजली एंड क्विकली. इट वर्क्स वेरी फास्ट. इट हैज अ मेमोरी लाइक अस. कंप्यूटर क्या करती है? हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी करती है और हमारे काम को बहुत ईजी बनाती है. कंप्यूटर को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी और हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शंस. हम जैसा कंप्यूटर को कहेंगे, कंप्यूटर वैसा ही काम करेगा. इट वर्क वेरी फास्ट. वो बहुत जल्दी काम करता है. जो काम हम 10 मिनट में करेंगे, कंप्यूटर उस काम को कब कर देगा? बहुत जल्दी कर देगा, क्विकली. इट हैज अ मेमोरी लाइक अस. जैसे हमारी याददाश्त होती है, हमें सब बातें याद रहती हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी क्या होती है? मेमोरी होती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर की कुछ खूबियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या खूबियाँ होती हैं. अ कंप्यूटर हैज सर्टन करेक्टरिस्टिक्स डेट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मशीन. Let us know some characteristics of a computer. बच्चों, कंप्यूटर में कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जिससे वो और मशीन से अलग दिखता है. वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं? स्पीड. A computer works very fast. It can perform a large number of calculation quickly. कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो जितनी मर्जी लंबी लार्ज कैलकुलेशंस हो, उसको बहुत जल्दी कर देती है. रिलायबल. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता. एक्यूरेट. अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट. कंप्यूटर हमेशा बिल्कुल सही रिजल्ट देता है. डेलीजेंट. अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. इट कैन कीप working for long hours, can do the same work again and again. Computer से आप जितना मर्जी काम करा लो, चाहे एक काम को बार बार कराइए, computer कभी भी नहीं थकता है. आप बच्चों को अगर मम्मा बोले कि थोड़ा ज़्यादा काम कर लो, तो आप लोग क्या कहोगे? मम्मा मैं तो थक गया. बट computer कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि वो अब आगे काम नहीं करेगा, वो थक गया है. Now about storage. कंप्यूटर की स्टोरेज के बारे में.
A computer stores a large amount of information and never forgets it. बच्चों कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी अमाउंट में बहुत सारी मात्रा में क्या करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और कभी भी उसको नहीं भूलता। आप अपना किया हुआ काम कभी भी कंप्यूटर पे देख सकते हो, चाहे आप 1 वीक बाद देखिए, 1 मंथ बाद देखिए या 1 ईयर बाद देखिए, वो कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। नाउ आई विल टेल यू वन एक्स्ट्रा बाइट। चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कंप्यूटर किसने बनाया है? चार्ल्स बैबेज ने बनाया है, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर के यूजेस पढ़ेंगे। We can use computer to do different types of work. A computer is considered as a smart machine because it can be used for many tasks like computer ko ek smart machine kaha gaya hai. Kyun? Kyunki wo bahut sare different kaam karta hai. To chaliye ab hum dekhte hain computer kaun kaun se kaam karta hai. We can play games. Hum computer par game khel sakte hain. Listen to music, गाने सुन सकते हैं, type letters, poems and stories. हम computer पे letter type कर सकते हैं, stories type कर सकते हैं और poems type कर सकते हैं. Draw and color pictures. हम computer पे picture draw कर सकते हैं और color कर सकते हैं. Solve sums. आप अपने mathematics के sums भी computer पर solve कर सकते हैं. वॉच कार्टून्स एंड मूवीज। आप अपनी पसंद के कार्टून और मूवीज किस पर देख सकते हैं? कंप्यूटर्स पर देख सकते हैं। चैटिंग एंड मेकिंग टेलीफोन कॉल्स। आप कंप्यूटर की हेल्प से अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से चैट कर सकते हैं और टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी कोने पे मैसेज भेज सकते हैं या मैसेज रिसीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नाउ अ डेज कंप्यूटर आर यूज्ड एवरीवेयर। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आर लाइफ। बच्चों आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज होता है और ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। होम्स, घर पर यूज होता है। शॉप्स, बहुत सी दुकानों पर आपने देखा होगा कंप्यूटर यूज होता है। किस लिए? बिल्स बनाने के लिए। आफ्टर देन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज होता है पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए। इन स्कूल, आपने अपने स्कूल्स में कंप्यूटर देखा होगा। With the help of computer, your teacher teaches you. आपकी टीचर आपको पढ़ाती है कंप्यूटर की हेल्प से। और भी बहुत काम आपकी टीचर्स कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। Offices, offices में कंप्यूटर यूज होता है। Airports पे यूज होता है। Railway stations, airport और railway stations पे टिकट बुक करने के लिए, flights और trains के arrival और departure time को बताने के लिए। एंड इन लास्ट कंप्यूटर यूज्ड एट बैंक, और बैंक्स में भी कंप्यूटर यूज होता है। बैंक में कंप्यूटर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए और कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा एटीएम से पैसे निकालते हैं। एटीएम भी किसकी हेल्प से वर्क करता है? कंप्यूटर की हेल्प से वर्क करता है। लेट अस डू। अब तक आपने जितना पढ़ा उसके बेस पर अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक वर्ड्स। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, आपको उनको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वर्ड्स क्या हैं। आर जी ई एस टी ओ ए। तो चलिए देखते हैं ये क्या वर्ड बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एस टी O R A G E। तो क्या वर्ड बना ये? स्टोरेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा। D W E P S।
ये वर्ड बनेगा स्पीड, एस पी डबल ई डी स्पीड. रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यू विल अरेंज बाय योर सेल्फ एंड डू इट बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस. अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर और ह्यूमंस के बारे में. चिल्ड्रन वी नो डैट कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. बच्चों जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट मशीन है. इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर क्रिएटेड बाय मैन. ये एक ऐसा अजूबा है जो किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है. इट कैन डू मैनी थिंग दैट वी कैन नॉट डू. जो काम हम नहीं कर सकते वो कौन कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है. लेट अस सी हाउ अ कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैन. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर मैन से, मतलब मानव से, कैसे अलग है. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर और ह्यूमंस में क्या क्या डिफरेंस है. अ कंप्यूटर हैज अ वेरी गुड मेमोरी. इट नेवर फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट. कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो कभी भी किसी भी चीज को नहीं भूलता. ह्यूमन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर माइंड. लेकिन इंसान के दिमाग में जो बातें होती हैं वह कभी कभी उन्हें भूल जाता है. कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको पहले तो याद होती हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद आप उसको भूल जाते हैं. नेक्स्ट अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, इट्स गिव करेक्ट रिजल्ट. कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता, वो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देता है. ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, लेकिन हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है. अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है. ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर, लेकिन ह्यूमन कंप्यूटर के जैसे तेज काम नहीं कर सकता. अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स. कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, वो बहुत लंबे समय के लिए काम कर सकता है. ह्यूमन गेट टायर्ड इफ दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. अगर हम कुछ घंटे काम करें तो हम लोग थक जाएंगे. अ कंप्यूटर कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, इट नेवर गेट बोर्ड. कंप्यूटर से आप एक काम बार बार कराइए, वो कभी भी उस काम को करते हुए बोर नहीं होगा. लेकिन ह्यूमन मे समटाइम गेट बोर्ड डूइंग द सेम वर्क ओवर एंड ओवर अगेन. लेकिन हम लोगों को अगर एक ही काम बार बार कराया जाए तो हम कभी भी थक जाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा उस काम को बार बार करने के लिए. अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स, कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती. ह्यूमन हैव फीलिंग एज दे फील हैप्पी सैड और एंग्री. लेकिन ह्यूमंस में क्या होती है, फीलिंग होती है. कभी हम हंसते हैं, कभी हम उदास होते हैं और कभी कभी हमें क्या आता है, गुस्सा आ जाता है. अ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. कंप्यूटर को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है. ह्यूमन डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू डू वर्क. लेकिन ह्यूमंस को बिजली की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए. अ कंप्यूटर नीड्स आर इंस्ट्रक्शन टू वर्क. कंप्यूटर को हमारे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, हमारे निर्देश की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. ह्यूमन कैन वर्क ऑन इट्स ऑन. लेकिन ह्यूमन अपना काम खुद कर सकते हैं, उन्हें किसी भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती. अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजंस. कंप्यूटर अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. ह्यूमन कैन मेक एनी डिसीजन. हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना. आपकी मम्मा काम का डिसीजन ले सकती हैं, मम्मा आपके लिए सोच सकती हैं कि आपको क्या करना है, कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना. नाउ आई विल टेल यू कंप्यूटर मैनर. अब मैं आपको एक कंप्यूटर मैनर बताऊंगी. ऑलवेज क्लीन योर कंप्यूटर विथ सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ. हमेशा अपने कंप्यूटर को
सॉफ्ट मतलब मुलायम और साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। लेट अस रिवाइंड, तो चलिए हमने जितना लेसन में पढ़ा एक बार उसको फिर से रिवाइंड करते हैं। अ कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मैन मेड मशीन, कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है और इसको काम करने के लिए हमारे निर्देश की जरूरत होती है। अ कंप्यूटर मेक्स यू टू डू योर वर्क ईजली एंड क्विकली, कंप्यूटर आपके काम को बहुत जल्दी करता है और बहुत आसान बनाता है। अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी करता है। अ कंप्यूटर इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर लाइक स्कूल्स, होम्स, शॉप्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, बैंक एसेट्रा। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कंप्यूटर आजकल बहुत जगह यूज होता है, ऑफिस, स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल एसेट्रा, और यह हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, इट कैन परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्विकली, कंप्यूटर बहुत बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर देता है। तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर वन, अ कंप्यूटर इज अ एन डैश मशीन, कंप्यूटर कैसी मशीन है, मैन मेड, इलेक्ट्रॉनिक, बोथ ए बी या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, कंप्यूटर मैन मेड मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है। नंबर टू, अ कंप्यूटर डैश गिव्स करेक्ट रिजल्ट, कंप्यूटर कैसा रिजल्ट देता है, अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। नंबर थ्री, अ कंप्यूटर स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डैश फॉरगेट्स इट, कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रखता है और कभी भी उसको नहीं भूलता, तो आएगा नेवर फॉरगेट इट। नंबर फोर, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी, कंप्यूटर कैसे काम करता है, फास्ट, स्लो, रॉन्ग, नन ऑफ दिस, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो नंबर वन में आएगा कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अ कंप्यूटर नीड्स डैश एंड आर इंस्ट्रक्शन टू वर्क, कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है इंस्ट्रक्शन के साथ साथ काम करने के लिए, अ कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी, ई एल ई सी टी आर आई सी टी वाई, इलेक्ट्रिसिटी। अ कंप्यूटर डज नॉट मेक, कंप्यूटर क्या नहीं करता, कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, एम आई एस टी ए के ई एस, मिस्टेक्स। नंबर फोर, अ कंप्यूटर डज नॉट गेट, कंप्यूटर कभी भी क्या नहीं होता, थकता नहीं है, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। नाउ द फिफ्थ वन, ह्यूमंस हैव, ह्यूमंस के पास क्या होता है, अ ह्यूमंस हैव ब्रेन, बी आर ए आई एन, ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको उनको पढ़ना है, जो सही है उसके लिए आप टी लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए आप एफ लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अ कंप्यूटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। नंबर टू, अ कंप्यूटर नीड्स आर इंस्ट्रक्शन टू वर्क, कंप्यूटर को हमारे निर्देश की जरूरत होती है काम को करने के लिए, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। द नेक्स्ट वन, ह्यूमन कैन मेक एनी डिसीजन, इंसान कोई भी डिसीजन ले सकता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। द नेक्स्ट वन, ह्यूमन्स डू नॉट हैव फीलिंग्स, ह्यूमन्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती, दिस स्टेटमेंट इज
False. Humans have feelings. The last one. A computer does not need electricity to work. Computer को बिजली की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए. This statement is also false. Computer needs electricity to do work. Now, the question number D. Complete the table by giving any four difference between computer and humans. अभी मैंने आपको कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच में फोर डिफरेंसेस बताए थे. आप चैप्टर में एक बार उनको फिर से पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर बनी हुई है और क्या है दूसरी तरफ कंप्यूटर की पिक्चर बनी हुई है. बीच में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. आपको क्या करना है एक एक करके उसको पढ़ना है और मैच करना है कि वो लाइन किस से मैच होती है. नंबर वन नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है किसको बॉय को या कंप्यूटर को. तो हम इस लाइन को मिलाएंगे किससे कंप्यूटर से. नेवर गेट बोर्ड. कभी भी काम करने से बोर नहीं होता कौन ह्यूमन या फिर कंप्यूटर. ये स्टेटमेंट भी हम किससे मिलाएंगे कंप्यूटर से. द नेक्स्ट वन हैज फीलिंग्स. उसकी फीलिंग्स होती हैं किसकी बताइए ह्यूमन की या फिर कंप्यूटर की. इसको हम मिलाएंगे ह्यूमन से. द नेक्स्ट वन कैन फॉरगेट. चीज़ें भूल जाते हैं कौन भूल जाते हैं ह्यूमन. हम लोग भी तो चीज़ें भूल जाते हैं ना कुछ. कई बार आप अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं. नेक्स्ट वन हैज ब्रेन. दिमाग होता है किसके पास कंप्यूटर के पास या ह्यूमन बींग के पास. ये स्टेटमेंट को भी हम मिलाएंगे ह्यूमन बींग से. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर वन व्हाट इज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर टू गिव एनी टू यूजेज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कोई भी दो यूजेस बताने हैं क्या टू सॉल्व सम्स. कंप्यूटर सम्स को सॉल्व करता है और क्या करता है टू वॉच मूवी. हम कंप्यूटर पर क्या देख सकते हैं मूवी देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर टू नेम एनी टू प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज. आपको दो प्लेसेस के नाम बताने हैं जहां पर कंप्यूटर यूज होता है. तो नंबर वन स्कूल. सबसे पहले तो आप लिखेंगे कंप्यूटर कहाँ यूज होता है आपके स्कूल में. और दूसरा कहाँ यूज होता है बैंक में बी ए एन के एस बैंक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव यू विल डू बाय योर सेल्फ. So my dear student, in this lesson you have learned about computer and the places where computers are used. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.